मेरा नाम क्लोई है और ज्यादातर लोग मुझे एक औसत उम्र नौजवान की हैसियत से जानते हैं। मेरी बहन सोफी है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि वो हद से ज्यादा मोहतात है, लेकिन वो बस मेरा ख्याल रख रही है। क्या हैरान कुछ बात है। और ये मैं हूँ जो गली के बीच में जमीन पर लेटी हुई हूँ। इसकी वजह कुछ भी हो सकती थी, कोई प्याला या किसी का गले लगाना भी, या वो मेज जिस पर मैं बैठी थी, या वो हवा जिसमें मैंने सांस ली थी। आपको मालूम है मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। स्ट्रॉबेरी की थोड़ी सी मकदार भी मेरे लिए जहर है। बदकिस्मती से मुझे इसके साथ जिंदा रहना है, हर दिन हर रात। तसव्वुर कीजिए कि किसी को स्ट्रॉबेरी ने मार दिया। यूके की वेबसाइट एनाफाइलेक्सिस के अलामात को इस तरह बयान करती है, जबान या गले का सूज जाना, निगलने या बोलने में दुश्वारी, आवाज की तब्दीली जैसे दुरुस्त आवाज, गुड़गुड़ाहट या मुस्तकिल तौर पर खांसी या शदीद दमा, सांस लेने में दुश्वारी और शोर, पेट में दर्द या उल्टी, चक्कर आना, गिर जाना या बेहोश होना। ये ब्लड प्रेशर में कमी की वजह से होता है और बच्चों में अपने आप को ऐसे जाहिर करता है कि उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ऑटो इंजेक्टर या एपीपेन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, जो कि एक ब्रांड का नाम है। पहला मरहला, पुरसकून रहें और उनसे बातें करते रहें। दूसरा मरहला, आसमानी रंग के ढक्कन को हटाएं। तीसरा मरहला, रान से 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखें और जोर से दबाएं। चौथा मरहला, एपीपेन को उस जगह पर रखें। पांचवा मरहला, एपीपेन को हटाएं और इंजेक्शन की जगह को मालिश करें। छठा मरहला, 999 को कॉल करें और एम्बुलेंस के लिए दरख्वास्त करें। उनको बताएं कि आपके पास ऐसा मरीज है जिन्हें एनाफाइलेक्सिस की बीमारी है। क्लोई के रिएक्शन के बारे में हकीकतें। क्लोई को रिएक्शन के बाद अस्पताल जाना पड़ता है। इसके पास 17 स्टेरॉइड का कॉकटेल है। क्लोई को हमेशा दिल पर नजर रखने वाली मशीन पर रखा जाता है। रिएक्शन के बाद क्लोई के जिस्म को ठीक होने में 2 हफ्ते लगते हैं। उसे कॉलेज से छुट्टी करना पड़ती है, जो परेशानी में मजीद इजाफा कर देती है। और ये सब कुछ कहीं भी हो सकता है, हत्ता कि शॉपिंग पर जाते हुए या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। ओह, ये यहाँ है, बहुत अच्छे। क्या ये स्ट्रॉबेरी है? नहीं, ये तो रसबेरी है। और नहीं, उसका मतलब चटनी। चटनी किस चीज की है? ओ, मुझे नहीं पता, माजरत। रेस्टोरेंट में स्टाफ को एलर्जीज के बारे में बताएं। लोगों को अपनी एलर्जी के बारे में बताने से ना डरें, खास तौर पर जब आप बाहर खाना खाने जाएं। अगर किसी चीज के बारे में शक हो तो अच्छा है ना खाएं। खुराक को महफूज रखें। एलर्जी से पाक खाना पकाने का मुकम्मल अलहदा सामान इस्तेमाल करें। किसी ताजा साफ कपड़े, साबुन और गर्म पानी से सतहों को अच्छी तरह से साफ करें। और इससे बेहतर है कि एक मुकम्मल अलहदा जगह इस्तेमाल की जाए, जहाँ एलर्जी से पाक खुराक पकाई जा सके।
जिन चीजों से एलर्जी होती है उनको ढक्कन लगा लें और बर्तन पर नाम लिखकर सबसे नीचे वाले शेल्फ में रखना चाहिए, ताकि अगर उन बर्तनों से कुछ बह जाए तो बाकी चीजें महफूज रहें। सफर करने में हमेशा दुश्वारी रहती है, इसलिए हम इस बात को अवलीन तरजीह देते हैं कि स्टाफ के किसी रुकन से बात कर लें, उनको एलर्जी की शिद्दत के बारे में बताएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता वहाँ किस किस्म की चीजें फरोख्त की जाएंगी या दूसरे मुसाफिर अपने साथ क्या चीजें लाएंगे। इसलिए इस मौके पर हमने एयर होस्टेस को पास बुलाया, तमाम हालात से आगाह किया और दरख्वास्त की कि अगर वो मेहरबानी करके दूसरे मुसाफिरों को ऐलान करके बता दें। तो उसने मुझे रोका और कहा, मुझे मालूम है अपना काम कैसे करना है। ठीक है, ये अच्छा है। हमने आपस में कुछ खुसर पुसर की क्योंकि वो मुझे कुछ गुस्ताख सी लगी। फिर उसकी आवाज़ स्पीकर में से आई, अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, आज हम हमारे साथ एक ऐसी मुसाफिर सफर करी जिसे हवा के जरिए फैलने वाले स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी मसनूआत खोलने से परहेज करें जिनमें स्ट्रॉबेरी हो। इसका मतलब ये भी है कि हम आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट फरोख्त नहीं कर पाएंगे जिसमें स्ट्रॉबेरी हो, जैसे कि रोज वाइन, स्ट्रॉबेरी की परफ्यूम्स और स्ट्रॉबेरी की मीठी चीजों पर आज की हमारी रियायत भी खत्म की जाती है, मुझे पता है। लोगों ने इस बात पर हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, हो सकता है एलर्जी नहीं कोई मजाक हो। इसलिए फिर मैंने खुद जिम्मेदारी ली कि जाऊं और इसे कहूं कि हम हकीकत में इन हालात के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। रेलगाड़ी की कहानी ये थी कि हम एक ग्रुप की शक्ल में स्कूल के साथ लंदन जा रहे थे। वहाँ एक मुसाफिर था जिसके पास स्ट्रॉबेरीज थी और हमारे उस्ताद बहुत ड्रामेबाज थे। स्ट्रॉबेरीज, सब नीचे हो जाओ, फर्श पर लेट जाओ, सब नीचे हो जाओ। ट्रेन में सबका अंदाज ये था, क्या बात है, क्या हो रहा है। उस्ताद सबको रास्ते से हटा रहे थे और बहुत ड्रामाई किरदार अदा कर रहे थे और हमारी हंसी नहीं रुक पा रही थी। तहम सब कुछ होने के बाद इसका नतीजा ये निकला कि हम फर्स्ट क्लास में चले गए, ऐसी ट्रेन जो बहुत अच्छी थी। मैं जब भी कभी बाहर पीने के लिए जाती हूँ तो मेरे साथ एलर्जी की फिक्र होती है। हेलो कैरी। मार्जिनल, तुमने मेरी स्ट्रॉबेरी गिरा दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे हमेशा अपने नए दोस्तों को अपने एलर्जी के बारे में बताने की फिक्र लाहक होती है। मुझे ये फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं मैं अपना एपी पेन ना भूल गई हूँ। मुझे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अकेली हूँ और मुझे रिएक्शन हो जाए। इस वजह से मैं अक्सर अवकात बहुत तन्हा महसूस करती हूँ, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं ये चीज़ आपके दिमाग पर सवार रहती है, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है या आपके आसपास जो है उन हालात से चुकन्ना रहना पड़ता है, और इससे आपको ये एहसास होता है कि आप दूसरे लोगों से अलग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये सोचना नहीं पड़ता लेकिन आपको सोचना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि मेरी दूसरी बहन लूसी और मैंने माजी में बहस की है कि जब भी हमारी अम्मी की जानिब से हमें एक दो मिस कॉल्स मौसूल होती हैं तो हमारा पहले रद्दमल होता है, ज़रूर क्लोई को कुछ हुआ है। आप जानते हैं हम उस दिन से बहुत डरते हैं कि हमें फ़ोन कॉल मौसूल होगी और कहा जाएगा अब हम तीन बहनें नहीं हैं, अब हम सिर्फ दो हैं। आपको पता है कि खतरा हमेशा मौजूद रहता है और मैं इस बात से बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। 14 खुराक के जांच हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है, जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें शामिल हैं अजवाइन, ग्लूटेन पर मुश्तमिल अनाज, केकड़े, अंडे, मछली, जिन्स लोपिन के पौधा का आटा, दूध, सिपियां, सरसों, गिरीदार मेवे, मूंगफली, तिल का तेल, सोया और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे बाज़ोकात सल्फाइड्स भी कहा जाता है। खाने की कुछ दूसरी चीजें भी हैं जिनसे एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी, मशरूम और बहुत सी दूसरी चीजें। एलर्जी का सबब बनने वाली कुछ ऐसी भी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी फलों के जूस की अज़ा में छुपी हो सकती हैं या फलों के शुगर में। खुराक की अशिया के लिए लेबल को चेक करें, मालूम एलर्जी वाली चीजों की निशानदेही के लिए जाय तरकीबी को देखें, इसमें ये अज्जा हो सकती हैं वाली खबरदारी को जरूर पढ़ें।
एलर्जी रिएक्शन मामूली, दरमियानी या शदीद हो सकती है। कुछ हालात में यह मौत का भी सबब बन सकती हैं, जिसे एनाफाइलेक्सिस कहा जाता है। हर अस्पताल में 20,000 लोग एलर्जी की वजह से दाखिल किए जाते हैं, जिसमें से 8% तक बच्चों में साबितशुदा खुराक की एलर्जी है। सबसे आम एलर्जीज में शामिल है पोलन, दूध, गंदम, ग्लूटेन, मेवे, फल, अंडे। जिन लोगों को एलर्जी होती है वो अपना रिएक्शन कुछ मिनटों में भी जाहिर कर सकते हैं या खाने के 2 घंटों तक। कुछ लोगों में एलर्जी होने का इम्कान इसलिए ज्यादा होता है कि ये मर्ज उनके खानदान में चला आ रहा होता है। लड़कों में विरासत में मिलने वाली एलर्जी से मुतासर होने का इम्कान लड़कियों से ज्यादा होता है। बतौर माँ जिस लम्हे आपका बच्चा आपके हाथों में दिया जाता है तो आपका खौफ शुरू हो जाता है। मुझे मालूम है तमाम वालिदैन डरते हैं। एक ऐसे बच्चे का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है जिसे हर वक्त किसी जानलेवा हालत का सामना करना पड़े। कुछ दिन दूसरे दिनों की निस्बत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दिन आसान नहीं होते। मैंने बेचैनी के साथ जिंदगी गुजारना सीख लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक रिएक्शन से उसी वक्त निबटूं जैसे ही वो सामने है। मैं कोशिश करती हूँ ऐसा ना सोचूं अगली दफा क्या होगा। तमाम वालिदैन का सबसे बड़ा डर अपने बच्चों को खोना होता है। मेरी जिम्मेदारी है कि क्लोई को महफूज रखूं। वो वाहिद जगह जिसके बारे में सोचती हूँ कि क्लोई के लिए महफूज है, वो हमारा घर है। जब भी क्लोई घर से निकलती है तो मैं कोशिश करती हूँ उसे ये यकीन दिला सकूं कि वो जितना मुमकिन हो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। मैं अब भी क्लोई के लिए पुरुमीद हूँ कि वो अपने एनाफाइलेक्सिस से छुटकारा पा लेगी, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम नज़र आता है। लेकिन मैं फिर भी पुरुमीद हूँ। क्लोई के लिए मेरी तमन्ना है कि वह खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी गुजारे और उसके तमाम ख्वाब पूरे हों। क्लोई के लिए मेरी ख्वाहिश है कि वो महफूज सेहतमंद रहे और लोग उसके हालात को समझें और पूरी ज़िंदगी उन हालात में उसकी मदद करें।